हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत करता है आप सभी का आज के नए ब्लॉग में। अभी सुबह का 8 बजने वाले हैं और अभी हम दतौन कर रहे हैं। वैसे भी हम ज़्यादातर दतौन ही करते हैं, शहरों में भी जाते हैं तो हम स्टेशन पे जाके, आसपास स्टेशन रहता तो स्टेशन पे जाके दतौन ही लेते हैं, क्योंकि ब्रश से बहुत कम करते हैं। ऐसे तो शहर में ब्रश करना पड़ता है मजबूरी में, तो चलिए भी दतौन करते हैं और फिर मिलते हैं। और देखिए, सुबह सुबह गाँव में निकलिए, गाँव में बहुत शोरगुल रहता है। ये बच्चे सब पढ़ने जा रहे हैं और वही बच्चे पढ़ने वाले बैठे हैं, सब बच्चे पढ़ने जाएंगे अभी कुछ ही देरों में। और तीन का तीन, पाँच का पाँच, छौका छौ ना वाला, छौका छौ, अच्छा मैंने दो का दो, तीन का तीन, चार का चार, पाँच का पाँच वाला, वाह। गंगा भू चले चले सिद्धि गंगा, तब सुगुना में जागे, तब सुगुआ शिशी मागे जाए, तब जय गाता जन गण मन यदि नायक, भारत की भाग्य विधाता। आज है रितिका का बर्थडे, रितिका हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे बोलो सब, हैप्पी बर्थडे। चलिए अभी सोचे कि थोड़ा चलते हैं घूमने के लिए, हम और केशव आए हैं घूमने के लिए। तो अभी हम हैं हनुमान जी के मंदिर पे और ये मंदिर है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1991 का, हालांकि ये मंदिर बना है 1991, इससे पहले भी यहाँ पे हनुमान जी का मूर्ति का पूजा होता था। और देखिए हनुमान जी ये रहे, और ये मंदिर हमारे गांव में बहुत पुराना मंदिर है। और इस मंदिर का पुजारी जो कि अपने पढ़ाई के साथ साथ भगवान के भक्त भी हैं बहुत बड़े, तो काफ़ी अच्छी बात है कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ भगवान को भी लेके चलते हैं आज के ज़माने में, जहां कि कलयुग जैसे समय में बहुत लोग भगवान को मानते ही नहीं हैं, हिंदू धर्म में भी होकर भगवान को नहीं मानते हैं। और ये इस उम्र में पढ़ाई के साथ साथ भगवान के भक्त भी हैं और भगवान के कीर्तन भी करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है देखकर यहाँ पे आते हैं ना। और देखिए जो मंदिर है, मंदिर में देखिए ये जो हनुमान जी के छोटे से भक्त सेवक जो कि यहाँ पे भगवान का भोग लगाने के लिए प्रसाद यहीं पे बनाते हैं, और इसी को बनाकर भगवान को चढ़ाएंगे, फिर भगवान भोग लगा लेंगे, फिर ही ये उसको पान करेंगे। तो यहीं पे इनका खाना पीना सब चलता है और भगवान का भोग लगा कर ही खाना खाते हैं। तो अभी 10 बज रहा है और ये 10 बजे तक ऐसे ही उपवास हैं, जब तक भगवान का भोग नहीं लगा लेंगे तब तक ये खाते नहीं है, भगवान का भोग लगाएंगे फिर ही खाना खाएंगे। चला जाए घर, चलो। तो घूमने आए थे और ये जब आपको सुबह में दिखाए थे हम कि ये सुबह से ही हमारे पीछे है और घूमने आए तो ये रोने लगा, तो इसको भी साथ में लेकर आए हैं घूमने के लिए। चलिए अब यहाँ से प्रसाद ले लिए और फिर चलते हैं घर और आपको दिखाते हैं। तो चलिए अभी हम अपने घर पे, और आज देखें कि पूरे दिन बच्चों के साथ टाइम बिताए, और बच्चों के साथ टाइम बिताने में बहुत मज़ा आता है। आज भी बच्चे एक एक शब्द ऐसा बोलते हैं जिससे बचपन के दिन याद आ जाते हैं, जैसे कि वो लड़का बोला दुक्का दू, तीन का तीन, चार का चार, वो टेबल सुना रहा था, वो वैसे ही याद किया था, तो बहुत मज़ा आता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। बाय बाय।